हेलो एवरीवन, आज मैं आलू और परवल की सूखी वाली सब्जी बनाने वाली हूँ। आप इसे भुजिया भी कह सकते हैं। इसे आप टिफ़िन में बना के दे सकते हैं या फिर लंच में दाल और राइस के साथ, तो ये कमाल की लगती है। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम परवल लिया है। इसे मैंने चाकू के हेल्प से इसके जो थोड़े बहुत छिलके थे उसे मैंने हटा लिया है। इसे पीलर की हेल्प से बिल्कुल भी ना छीलें। इसकी सब्जी इस तरह से बहुत अच्छी बनती है। और इसे मैंने बस 4 टुकड़ों में इस तरह से लंबे साइज में काटा है। और 250 ग्राम ही यहाँ मैंने आलू लिया है। और आप देख सकते हैं इसके छिलके निकालकर इसे भी मैंने लंबे साइज में काट कर रखा है। और यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल लिया है। आप चाहें तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल में ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब पचफोरन। इसे हम थोड़ा तड़कने देंगे। 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें जाएगा 2 मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने पतले लंबे साइज में काट कर रखा है। इसे हम लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है, तो अब मैंने जो परवल काट कर रखा था वो इसमें डालेंगे, साथ ही साथ कटा हुआ आलू भी। और इस टेस्ट पर 1 चम्मच नमक भी डाल रही हूँ मैं, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस अब हम इसे ढककर मीडियम टू हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे। बीच बीच में आप इसे चेक ज़रूर कर लें ताकि नीचे से ये जले ना। आप देख सकते हैं परवल का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे हम इसी तरह से 2 से 3 मिनट तक बिना ढके फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो थोड़ा भुन जाए। दो से तीन मिनट हो चुके हैं मुझे इसे भूनते हुए। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और अंत में 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ज़्यादा तीखा नहीं होता, बस इससे सब्जी का टेस्ट और कलर दोनों बहुत अच्छा आएगा। अब हम इन सारे मसालों को आलू परवल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, 2 से 3 चम्मच के करीब, ताकि मसाले जले ना और ये अच्छी तरह से आलू परवल के साथ मिक्स हो जाए। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल रही हूँ, ये ज़रूर डालें, इससे सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आप चाहें तो इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर टमाटर नहीं डाल रही हूँ। आप इसे इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर देखें, बहुत ही अच्छी बनती है ये सब्जी। अब हम इसे वापस 4 से 5 मिनट तक ढक कर पकाएंगे। बस बीच बीच में आप इसे पलटते रहें वरना ये नीचे से जलने लगेंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए और ये सब्जी मुझे थोड़े ज़्यादा ही ड्राई लग रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा पानी हम इसमें और डालेंगे, बस 2 से 3 चम्मच। और अब हम इसे फिर से ढककर 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। दो से तीन मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब सबसे पहले हम गैस को बंद करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो ये ऐसे ही सब्जी बहुत अच्छी लगती है। तो लीजिए, रेडी हमारी आलू परवल की सूखी वाली सब्जी, या फिर आप इसे भुजिया भी कह सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।